दुनिया तक पर टॉप फाइव में देखिए। भारत चीन के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है, लेकिन दोनों ही देशों को पता है कि लद्दाख में एलएसी के दोनों तरफ सर्दियों में अपनी सेनाओं को तैनात करना कितना मुश्किल होगा। इसी दौरान भारत और चीन के बीच 6 दौर की बातचीत में तनाव कुछ कम होने की संभावनाएं दिखी हैं। भारत और चीन एलएसी के मोर्चों पर अधिक सैनिक न भेजने और शांति सुनिश्चित करने पर सहमत हुए हैं। बता दें कि अब जल्द होगी कमांडर स्तर की 7वें दौर की वार्ता। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि भारत और चीन की सेनाएं आपस में संपर्क मजबूत करने, गलतफहमी और गलत निर्णय से बचने पर सहमत हुई। साथ ही दोनों पक्षों के बीच ये सहमति बनी कि अग्रिम मोर्चे पर और अधिक सैनिक नहीं भेजे जाएंगे और जमीनी स्थिति को एक तरफा ढंग से नहीं बदला जाएगा। यूएन में तुर्की ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि वो पाकिस्तान का कितना गहरा दोस्त है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया है। भारत ने इस पर आपत्ति की है, वहीं पाकिस्तान ने इसकी तारीफ। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए एर्दोगान ने कहा, कश्मीर संघर्ष दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिहाज से काफ़ी अहम है। भारत ने इसे आंतरिक मामलों में घोर दखल करार देते हुए कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन स्पीच में चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर दुनिया चीनी वायरस के कारण वैश्विक संघर्ष में लगी हुई है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए कश्मीर में आतंकियों को हथियारों की सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर भारत के शूरवीरों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आए हथियार सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। जम्मू से 35 किलोमीटर दूर अखनूर बॉर्डर के पास निवाला खड़ का मामला है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने पाकिस्तान से आए हथियार बरामद किए हैं। चीनी राजदूत के इशारे पर चल रही नेपाल की केपी ओली सरकार ने देश के विवादित नक्शे वाली किताब के वितरण पर रोक लगा दी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय और भू प्रबंधन मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी इस किताब के विषय वस्तु पर गंभीर आपत्ति जताई है। इसके बाद नेपाली कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो न केवल इस किताब का वितरण रोके बल्कि उसके प्रकाशन पर भी रोक लगाए। दुनिया में कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा 3.17 करोड़ से ज्यादा हो गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,33,82,126 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक 9,74,620 मौतें हो चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में कोरोना वायरस से हुई 2,00,000 मौतों को शर्मनाक बताया है। उनके मुताबिक सरकार ने बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं।